अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बाइनांस एप्लीकेशन पे स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आएंगे बाइनांस एप्लीकेशन पे, आपको ऐसा इंटरफेस देखेगा। फिर आप नीचे ट्रेड्स का जो लिखा हुआ है ट्रेड्स पे आएंगे। ट्रेड्स में आप फियट पे आएंगे, सॉरी स्पॉट ट्रेडिंग पे आएंगे। स्पॉट ट्रेडिंग पे आप ये जो ऊपर ADA USDT अभी आपको लिखा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ भी आपका हो सकता है। आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट सर्च करें। इंस्ट्रूमेंट मीन अपना कॉइन सर्च करें, जो भी कॉइन आपको लेना है। मैंने अपने पास कुछ फेवरेट्स में रखी हुए हैं, जैसे मेरे पास फेवरेट्स में RSR है, TRX है, डॉज कॉइन है, CHG है, BAT है। आप जो भी लेना चाहें वो आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लेना है इथेरियम, आप ETH देंगे जो इसका शॉर्ट फॉर्म है। अभी इथेरियम के देखिए पेयर्स आ रहे हैं, ETH ओवर USDT, ETH योर USDT, इथेरियम ओवर बिटकॉइन, बहुत से पेयर्स आएंगे। आपके पास जो भी करेंसी होगी, मेरे पास यूजुअली USDT रहता है क्योंकि वो एक स्टेबल करेंसी है। आपको भी मैं यही मशवरा दूंगा कि अपने पास USDT ही रखें, या कुछ भी आपके पास BNB है, आपके पास बिटकॉइन है, कुछ भी हो सकता है। आपके पास कोई नॉर्मल करेंसी है, रबल्स हैं, डॉलर्स हैं, किसी में भी आप ले सकते हैं। बट इंश्योर करें कि आप जिस भी करेंसी में लेना चाहें आप यहाँ वही ऑप्शन सेलेक्ट करें जो करेंसी आपके पास जिस मौजूद है जिसके अगेंस्ट आप लेना चाह रहे हैं। अभी मेरे पास फॉर एग्जाम्पल USDT है, सो मैं इथेरियम और USDT ही सेलेक्ट करूँगा। यहाँ आके आप प्राइस देख सकते हैं 2592.32 चल रहा है। यहाँ ऊपर जो डॉलर के साइन के साथ जो दिख रहा है चार्ट, कैंडल चार्ट, आप यहाँ से चार्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हर एक कैंडल जो है ये 15 मिनट का टाइम शो कर रहा है कि हर 15 मिनट में इतना प्राइस ऊपर गया, इतना नीचे गया, जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं। आप पर कैंडल 1 आवर तक कर सकते हैं, पर कैंडल आप 4 आवर तक कर सकते हैं, 3 डे कर सकते हैं, इसको मोर भी 1 मंथ या 1 वीक भी कर सकते हैं। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस किस टाइम पे कितना रहा है। जब आपको लॉक करना हुआ, आपको कोई कॉइन होल्ड करना है, डाउन साइड बाय और सेल लिखा है, सीधा आप बाय पे क्लिक करेंगे। अगर आप लिमिट पे हैं तो इसका मतलब जो प्राइस यहाँ पे है 2591, इसी पे ही आप बाई करेंगे। जितने भी आपको इथेरियम लेने हैं यहाँ से भी आप डायरेक्ट दे सकते हैं 100%, जो आपका अमाउंट है उसका 100%, उसका 75%, उसका 50%, उसका 25%, या आप मैनुअली भी दे सकते हैं। बट ये इंश्योर करें कि $10 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर $10 से कम होगा तो आप नहीं बाई कर पाएंगे। फिलहाल मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, मेरे पास जो भी USDT मेरे अकाउंट में नहीं है, मेरे पास जो भी थी वो मैंने कुछ कॉइन्स में इन्वेस्ट किए। बट आपको मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास $50 है, आप उसका 50% लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल 25 का, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से 50% सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मैनुअली लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं $15 का लेना चाह रहा हूँ, तो आप USDT का, तो आप 15 अमाउंट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। लिमिट जो है वो आप यहाँ कोई प्राइस सेलेक्ट करते हैं कि मुझे इस प्राइस पे लेना है, सो उसी प्राइस पे ही बाय होगा जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। बाय के ऑप्शन पे जाएंगे, आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। सो जैसे ही मार्केट प्राइस उस प्राइस पे आती है जो कि आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तब वो बाय हो जाएगा। और अगर आप इसको मार्केट प्राइस पे रख देते हैं तो करंटली मार्केट जो भी प्राइस चल रहा है उसी पे बाय हो जाएगा, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप हमेशा लिमिट प्राइस ही रखें, अब देखें कि प्राइस कहाँ जा रहा है, कहाँ आ सकता है, मतलब कितना गिर सकता है, कितना आगे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, उसी के हिसाब से आप अपना सेलेक्ट कर लें, अच्छे से सब चीज़ें देख लें, उसके बाद ही बाय करें। पैनिक मत करें, प्राइस ऊपर नीचे जाता रहता है, सो प्लीज़ पैनिक मत करें, आराम से देखें सब चीज़ों को, एहतियात से एक बार सब जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद बाय के ऑप्शन पर क्लिक कर लें। सो आपका ऑर्डर आराम से बुक हो जाएगा। जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं मैंने एक सेल ऑर्डर लगाया है इथेरियम का, सॉरी BNB का। जब वो 600 प्राइस पे चला जाएगा तो मेरे पास जो मैं कॉइन होल्ड करके रखा हूँ BNB के,
ओवर यूएसडीटी, वो सारे सेल हो जाएंगे। सेल का भी सेम प्रोसेस है, आप सेल भी सेम तरीके में कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई कॉइन आपने होल्ड कर रखा है और आप उसको सेल करना चाहते हैं, लिमिट के प्राइस पे आप जितना भी प्राइस दे सकते, देना चाहे वो प्राइस दे दें, वो उसी ही प्राइस जितने भी आप सेल करना चाहे सेम यहाँ सेलेक्ट कर दें या अमाउंट सेलेक्ट कर दें मैनुअली, सो उतने ही आपके कॉइन सेल हो जाएंगे। या अगर आपको सीधा मार्केट के प्राइस, जो मार्केट करंट प्राइस चल रही है उस पर सेल करनी है, आप सीधा मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी आपको जितने होल्ड कर रखे हैं उसके 25%, 50%, 100% या मैनुअली कोई अमाउंट जो कि $10 से नीचे नहीं होना चाहिए वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मार्केट प्राइस मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप लिमिट पर ही रखें, प्राइस दे के उसी प्राइस के हिसाब से सेलेक्ट करें, जितना आपको प्रॉफिट सूटेबल हो वो ही प्रॉफिट दे, उसके बाद सेल ऑर्डर दबा दे तो आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। ओके गाइस, अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको दिलचस्पी है इसमें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। शुक्रिया, थैंक यू।